हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली दिवाली विद एमआई जो सेल स्टार्ट होने वाली थी वो हो चुकी है। ये सेल एमआई पे देखने को मिलेगी और मैंने और वीडियो बना रखी है, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट ऑफर सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, अमेजोन पे भी डिस्काउंट ऑफर एक्सप्लेन करा हुआ है। मैं आपके सामने बेस्ट कैमराज और बेस्ट लैपटॉप्स की डील्स भी लेके आऊँगा बहुत जल्द वीडियो बना के, आप उसे देखना, आप इंजॉय करना। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि तबीयत भी ख़राब चलती है मेरी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बार। लेकिन एम आई थोड़ा सा निराश हो गया क्योंकि यहाँ पर जो HDFC बैंक का जो डिस्काउंट है 10% का, वो सिर्फ 1500 रुपये तक का है। इस बार ये इसलिए हुआ क्योंकि HDFC बैंक ऑलरेडी फ्लिपकार्ट और MI से ऑलरेडी 1-1.5 महीने टाइप चल रही है, और जहाँ पर आपको HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 500 रुपये का कैशबैक देखने को मिल रहा था हर प्रोडक्ट पर, जिसकी वजह से इस बार उन्होंने डिस्काउंट को जो है कम दिया है। ये मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम, बट तब भी ओके ओके है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट लेना है वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी ले सकते हो। इस बार सारे कार्ड आपको मोस्टली प्रोबेबली अवेलेबल होंगे जो कि इस बार करा गया है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप 1 रुपीज़ की फ्लैश सेल पे प्रोडक्ट ग्रैब कर सकते हो। मतलब मैं पहले एक चीज़ बता दूँ गाइस कि लक डिपेंड करता है, कि लक भी साथ होगा तभी आप ग्रैब कर पाओगे। तो प्लीज़ मेक श्योर डैट यार आप अपने लक को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि अगर आप लक ट्राई करते हो तो क्या पता 1 रुपये में आप कोई ना कोई प्रोडक्ट ग्रैब कर लो। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊँगा, बेस्ट से बेस्ट मेथड बताऊँगा कि आप कैसे ग्रैब कर सकते हो। तो पहले डिस्काउंट की बात कर ले तो यहाँ पर इस बार डिस्काउंट है HDFC बैंक का सिर्फ 1500 रुपये का। मिनिमम जो कार्ड वैल्यू है वो होनी चाहिए 4500 रुपये की। मतलब अगर आप कोई 4500 रुपये का कोई परचेज कर रहे हो तभी आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी डील्स एंड ऑफर बताई रखे थे, तो सीधा बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ये K20 के बारे में। यहाँ पर जो कि 29 तारीख को 4 बजे हो जाएगी सेल, तो यहाँ पर इसके 20 यूनिट अवेलेबल होंगे। 30 तारीख को 4 बजे MI बैंड के 50 यूनिट अवेलेबल होंगे, और अक्टूबर 1 तारीख को 4 बजे A3 से 6 GB 128 GB का 20 यूनिट अवेलेबल होंगे, और मी साउंड बार वाइट के 50 यूनिट अवेलेबल होंगे इस बार इस सेल में। तो ये प्रॉपर डिटेलिंग थी, मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको ग्रैब कैसे करना है। मैं इस मेथड में आपको बताऊँगा कि आप कैसे स्क्रिप्ट के थ्रू बुक कर सकते हैं और कैसे आप लगा सकते हैं अपना कोई एक्सटेंशन, कि कैसे आप किसी एक्सटेंशन के थ्रू बुक कर सकते हो। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने आपको क्लोनिंग बता रखी है कि आप कैसे क्रोम का क्लोन बना सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है अपनी पुरानी वीडियो से। अगर आप मुझे स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं तब भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको मल्टीपल क्लोन बनाना है। यहाँ पर क्लिक करके मैनेज अकाउंट में जाके और यहाँ पर आपको ऐड पर्सन करना है, और आप हमेशा अपने क्लोन बनाना है, जितने ज़्यादा बना सको उतना ज़्यादा अच्छा है। और बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि गाइस प्लीज़ ये मोबाइल की कोई भी ट्रिक नहीं है। मोबाइल पे वर्क करना बेकार होता है, कि मोबाइल पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मेक श्योर डैट कि आप अपना टाइम वेस्ट मोबाइल पर ना करो, अपने PC या लैपटॉप पर करो, और तभी करो जब आपके पास कम से कम 50 MBPS का प्लान हो, आपकी स्पीड जो है 50 MBPS हो, तभी आप इस को ट्राई करना। तो यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ कि स्किप मेथड क्या है। स्किप आपको जो है मिल जाएगी मेरे फेसबुक पेज से, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सके स्क्रिप्ट लेके आ सकते हो। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद आपको इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर जाना है, यहीं पर क्लिक करके राइट जो प्राइस है प्राइस के जस्ट साइड पर क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाना है और कंसोल पर जाना है। कंसोल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ठीक इसे पेस्ट कर देना है 4 बजे से पहले, और 4 बजे से पहले मतलब 2 मिनट पहले इसको एंटर दबा देना, ताकि स्क्रिप्ट जो है ताकि चालू हो जाए, और पेज जो है लाइव छोड़ देना है, और आपको मिनिमाइज करके ऐसे पेज को साइड में छोड़ देना है ताकि पेज वर्किंग करता रहे। और ऐसे ही अगली पेज खोलना है एक और क्लोन बना के, और दूसरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके दूसरी स्क्रिप्ट लगानी है। ये तो हो गया स्क्रिप्ट का मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि आप कैसे अगला एक और मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है बाय हट के एक्सटेंशन, इसे आप नॉर्मली ऑटो बाई के नाम से सर्च कर सकते हो अपने क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पर आपको जो भी सेल है 4 बजे वो दिखा देगा, उस सेल से स्टार्ट पहले करने से पहले आपको ठीक ये सारे उसको ऑन करना है, वो आपको सेल पेज पे लेके आ जाएगा और ये काम करने लगेगा। बट गाइज एक चीज़ श्योर रखना कि यहाँ पर आपको me.com पे जाके अपनी ID को जो है पहले लॉगिन कर लेना, ताकि आपकी ID लॉगिन रहे और आप एलिजिबल रहो सेल के लिए। तो इतना सा काम करना होगा आपको इस सेल में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई और क्वेरीज है तो मुझसे प्लीज़ यार आप फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आके पूछ सकते हो। कहीं पर भी आप आओ मैं ज़रूर आंसर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को और थोड़ा ब्रीफ में समझाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं और एक और वीडियो बना के आपको समझाऊँगा। आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय करी होगी और आप अपने लक को ट्राई करना चाहोगे इस सेल के अंदर। तो प्लीज़ यार मैं कहना ये चाहूँगा कि अपने लक को इस सेल में ट्राई करना, क्या पता किस्मत साथ दे।
और 1 रुपए की सेल आप ग्रैब कर लो। तो तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।